समाजवादी पार्टी साथ साथ डॉक्टर एस टी हसन हमारे साथ। सर, जो दुखद हादसा हुआ है CDS और हमारे 13 लोग मरे हैं, जवान भी मरे हैं उसमें, किस तरीके से? देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इस तरह से हादसे में ख़त्म हो गए और उनके साथी लोग 13 लोग और ख़त्म हो गए। हम इस पर गहरा दुख भी व्यक्त करते हैं, मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त दुख की मुद्रा में है। एक ऐसा कमांडर जो बहुत बोल्ड स्टेप लेता था और बहुत अच्छा मैनेजमेंट करता था, आज ब्रिगेडियर सावंत ने साजिश की भी बात कही है, किस तरीके से लिखते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इस तरह से क्रैश हो जाए, हमारी भी बात समझ में नहीं आ रही, जबकि मोस्ट मॉडर्न हेलीकॉप्टर से वो लोग जा रहे थे, आखिर ये क्यों हो गया? इंक्वायरी तो पूरी होनी चाहिए और एक नतीजा निकलना चाहिए। साजिश भी हो सकती है? हो सकता है कोई साजिश हो सकता है कोई आतंकवादी गतिविधि हो, क्या कह सकते हैं इसमें? तो डॉक्टर एस टी हसन जो कि कह रहे हैं कि जिस तरीके से ब्रिगेडियर सावंत ने शक जताया है, ऐसा हो सकता है कि कोई साजिश हो, आतंकवादी घटना हो, इसलिए पूरी जांच होनी चाहिए। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।